बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू व्यूअर्स, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का लंच आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये मेरे पास है चने की दाल, और ये मेरे पास है जी बार्ले, जो जिसे कहते हैं जो, ठीक है। चने की दाल में थोड़ा सा बार्ले डालते हैं तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। किसी भी दाल बनाने में आप थोड़ा सा जो का दलिया डाल दिया करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और बेनिफिट तो आपको पता ही है। इसके बताने लगूंगी तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, फिर आप कहेंगे कि वीडियो जो है यही आएगी, ठीक है जी। तो ये फिर हम बताएंगे, और ये मैंने अभी आपको फिलहाल ये इतना ही बता दिया कि मैं बार्ले और चने की दाल डाल रही हूँ, और ये लेफ्ट ओवर चिकन से बनेगा, यानी कि रात को मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई, जो उसमें एक बोल बच गया, ठीक है। जो बच गया वो मैंने फ्रीज कर दिया था। अब मैं क्या करूँ जी, इसी चिकन में सिर्फ यही दाल डालूंगी, ठीक है जी। तो किस तरीके से डालूंगी, क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है, कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें, और ज़्यादा चेंज भी लाना है तो ज़ाहिर बात है, अगर रात को बच्चों ने खाई है चिकन कढ़ाई तो ज़ाहिर बात है अब इनको खाना पड़ेगा जी चने की दाल जो है वो चिकन में, ठीक है। इसको मैं यहीं के रेशा रेशा कर दूँगी, जिसे कह सकते हैं आप श्रेड करना, ठीक है। वो थोड़ा सा हलीम का टेस्ट आ जाए, खूब धनिया मिर्ची वगैरह डालेंगे, बहुत टेस्टी सा यम्मी सा बन जाएगा, ठीक है। चिकन के बॉल में मैंने कहा ज़्यादा वो क्या बर्तन मैले करूँ, चिकन के जो फ्रीज हुआ जो बॉल है उसके अंदर ही मैंने क्या क्या डाल दिया, अदरक लहसुन का पाउडर है, ये धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, और ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला जाता है, ठीक है जी। सॉल्ट है ये तकरीबन 1 टीस्पून से कम है, ठीक है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून है, ठीक है, 1 पिंच के 1/4 टीस्पून है, ठीक है जी। धनिया मिर्चे नमक और हल्दी, ठीक है, और ये अदरक लहसुन का पाउडर, ठीक है जी। और अब बिल्कुल इजी, ये मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसको भिगोने लगी हूँ, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आपने बनाना हो देखी में, कुकर में नहीं बनाना, तो फिर आपने क्या करना है जी, इसको पहले से भिगो देना, ठीक है। और ये मैंने प्याज जो है देखिए ब्राउन कर लिया, ये ब्राउन करने के लिए काट दिया ऑयल में, ठीक है। एक अदद प्याज है, ठीक है, क्योंकि प्याज हो गया बहुत ज़्यादा महंगा, लिहाजा आप लोगों ने ये चीज़ें कम से कम ही डालनी है। जो चीज़ महंगी हो जाए तो उसको कम कर दें, कुछ ऐसा नहीं होता, इससे बहुत टेस्टी सा खाना बनेगा। और इवन कि मैं टमाटर भी नहीं डालूँगी, क्योंकि टमाटर भी हो गए महंगे, और इस कढ़ाई में आपको पता है ऑलरेडी टमाटर बहुत ज़्यादा डलते हैं, तो लिहाजा मैंने बहुत नहीं डाले, लेकिन डलते तो है ना, आपको पता है कढ़ाई में, तो टमाटर इसके अंदर ऐड है, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्याज डाला है, ठीक है जी। अब आप ये देख लें कि कम इंग्रेडिएंट में कितने मज़े की बन जाएगा। अच्छा देखिए जी, ये इतना प्याज ब्राउन हो चुका है, तो हम इसमें ये बैटर डाल देंगे, ठीक है जी। और ये बैटर डालने के साथ इनमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाला जले ना, ठीक है। अच्छा देखिए जी, ये मसाला अच्छी तरह से भून गए, अब मैं इसमें ये जो भीगी हुई दाल है, ठीक है जी, ये वाली, ये मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है जी। अच्छा दाल डाल के हमने इसको, बस इसको ज़्यादा भूनना नहीं होता, दाल डाली हमने बस 1-2 मिनट ये चम्मच चलाए, और फिर इसके अंदर हमने इतना पानी डाल देना है जिसमें हमारी दाल जो है वो अच्छी सी गल जाए, ठीक है जी। तो देखिए जी, लेफ्ट ओवर चिकन से कितना ज़बरदस्त ही हमारे आगे बन जाएगी हलीम की तरह से टेस्ट की दाल, ठीक है जी। और हमने इसको कुकर को बंद कर देना है, और 20 मिनट हमने इसको लगाना है कुकर को, ठीक है जी। अच्छा जी देखिए, अब हमारी ज़बरदस्त ये थिक सी दाल बन गई है, इसको हमने गर्म मसाला डाल दिया है, ऊपर हरी मिर्च डाल दिया है, और जी अब हमने जी आप ये देखिए, और डिश आउट भी कर दिया हमने, वो भी दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये हमारी आ गई ज़बरदस्त से चिकन हलीम की तरह, यकीन करें इसका टेस्ट भी, खाली मैं नहीं कह रही आपको, जब टेस्ट करेंगे बनाकर इसी रेसिपी से तो आप भी कहेंगे कि दाल है या हलीम है, क्योंकि इसमें मैंने जो भी डाली हुई कुटी हुई, ठीक है जी, जो कोई बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसमें, और ये जो हरी मिर्च डाली है मैंने पिकल वाली, यानी कि जो मैंने घर में डाली होती है सिरके में हरी मिर्च और लेमन, और आजकल बहुत महंगी हुई नहीं मिल रही, तो इसी वजह से आप लोग यही किया कि जब भी सस्ती होती है हरी मिर्च लेमन, ये बड़ा सा जार रखें उसमें सिरका डाल दें, हरी मिर्च लेमन डाल दें, नमक भी थोड़ा सा डाल दिया करें, कट लगा के डाल दें, चाहे भर के डाल दें, चाहे सिंपल भी डाल दें, तो फिर ये बिरयानी में इन चीज़ों में आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, खट्टी सी है ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी राई और कलौंजी भी डाली हुई थी, हरी मिर्च और लेमन मैंने इस तरह डाल दिया, ठीक है। तो वही मैं निकाल के मैंने गार्निश भी कर लिया, और उसको हम खा भी सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये थी, गर्म मसाला डाला, हरा धनिया डाला, और ज़बरदस्त ये दाल हमारी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी सी दाल है, देखिए जी चिकन का भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है, और मैंने डाल के थोड़ा सा टेस्ट लेके दिखाया कि देखिए इस तरह थोड़ा सा हमने श्रेड कर दिया ना चिकन, तो बहुत ही अच्छा सा जायका आता है, देखिए जी। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाया करें, बच्चे इस तरीके से खा लेते हैं, फिर चेंज भी मिल जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, और महंगाई का दौर है, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, ठीक है जी। कमेंट में बतानी है आपने, कमेंट में बताइएगा कि आज की डिश कैसी लगी है आपको मेरी लेफ्ट ओवर चिकन से, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे शेयर भी कर दिया करें। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।